आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि पेगासस सॉफ्टवेयर की हैकिंग से कैसे बचें। तो अब तक आपने ये न्यूज़ तो सुनी लिया होगा कि एक साइबर आर्म नाम की कंपनी है इसराइल में, उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया पेगासस नाम का। इसका यूज़ किया जाता है लोगों के डिवाइस को हैक करने के काम में, यानी कि जैसे कोई आतंकवादी है, कोई टेररिस्ट है, उसके फ़ोन को हैक कर लिया गया, अभी वो उसकी हर मूवमेंट पे नज़र रखी जाएगी और उस हिसाब से उसको न्यूट्रलाइज़ किया जाएगा। यानी बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी में इसका यूज़ किया जाता है, पर कुछ क्लेम सुनने में आ रहा है कि नॉर्मल लोगों पे भी यूज़ किया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि अभी पहले आपको बताऊँगा कि पेगासस की पहुँच कहाँ कहाँ तक है, वो क्या क्या कर सकता है, फिर आपको बताऊँगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके फ़ोन में पेगासस है कि नहीं, फिर उसे कैसे बचना है वो भी बताऊँगा। तो देखिए, पेगासस एक ट्रोजन हॉर्स है। ट्रोजन हॉर्स यानी कि एक तरीके का मालवेयर। अभी ये मालवेयर कैसा है कि ट्रोजन हॉर्स यानी कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, सिंपल शब्दों में समझो। मान लो एग्जांपल के लिए एक ऐप है गाना ऐप करके, ठीक है। अभी उस ऐप का एक्चुअल काम क्या है, गाना को प्ले करना, पर उसने आपके फ़ोन की सारी स्टोरेज की एक्सेस, कैमरा की एक्सेस, माइक की एक्सेस ले ली आपसे, आपने ध्यान नहीं दिया, या फिर गाना ऐप में तो चलो एक बार पता चल सकता है, किसी ऐसे ऐप में जो एक्चुअली में इन सब चीज़ों का यूज़ करता हो, स्टोरेज का, माइक का, वो ऐप आपके इन सब चीज़ों का एक्सेस ले ले, आपको जो नॉर्मल काम है, जिस काम के लिए आपने ऐप को डाउनलोड किया वो तो करे ही, साथ साथ आपके फ़ोन का सारा डेटा उठा करके अपने सर्वर पे अपलोड करने लगे, ये होता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स मालवेयर एक टाइप का, कि मतलब आपको दिखेगा कि यार ये ऐप काम कुछ और कर रहा है, सीधा साधा ऐप है, पर एक्चुअल में वो आपका डेटा चोरी कर रहा होगा। अब बात करते हैं कि मालवेयर अगर एक बार फ़ोन में आ गया तो उसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज़ होती हैं। देखो, मैं खुद भी मालवेयर यूज़ कर चुका हूँ, तो मैंने जो चीज़ें देखी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि गैलरी पे पूरा एक्सेस आ जाता है, फाइल मैनेजर पे पूरा एक्सेस आ जाता है, व्हाट्सएप चैट, फेसबुक चैट, मोबाइल मैसेजेस, कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हर चीज़। ऐसी कोई चीज़ नहीं बचती है फ़ोन में जिस पे मालवेयर कंट्रोल ना कर सके, जिसका डेटा वो चुरा ना सके। तो अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी पार्ट कि मालवेयर की हैकिंग या फिर पेगासस सॉफ्टवेयर की हैकिंग से कैसे बचना है। तो देखो, पहले तो आपको पता करना पड़ेगा कि भैया आप टारगेट बने हो कि नहीं। वो करने का दो तरीका है, एक है डेटा और एक है बैटरी। यानी कि जब आपके फ़ोन में कोई मालवेयर आएगा, वो आपके डेटा को सर्वर पर अपलोड करेगा, तो आपका डेटा का कंजप्शन बढ़ जाएगा। तो आपको अगर कभी बीच में शक होता है कि यार आजकल मेरा डेटा बहुत चल रहा है और मैं फ़ोन चला ही नहीं रहा हूँ, डेटा कंज्यूम बहुत हो रहा है, इसका मतलब आपका फ़ोन बैकएंड में आपके किसी फाइल को अपलोड कर रहा है या कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से एक बार मतलब हल्का सा 10-20% पता चल सकता है। और बाकी आपको ये देखना है कि यार अगर आपका फ़ोन पड़े पड़े उसकी बैटरी ड्रेन होती जा रही है, इसका मतलब वो प्रोसेस कर रहा है, कुछ तो वर्क कर रहा है, तभी उसकी बैटरी ड्रेन हो रही है। और अगर साथ में डेटा भी आपका बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इसका मतलब है कि आप मतलब 50% चांसेस है कि आपके फ़ोन में मालवेयर आ गया है। और एक बार अगर फ़ोन में मालवेयर आ गया तो उससे बचने का तरीका सिंपल है, फ़ोन को रीसेट कर दो बस। अगर आपको शक है कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है तो फ़ोन को रीसेट कर दो, जो भी एक्सटर्नल ऐप होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। अभी पेगासस के केस में मुझे ये क्लियर नहीं है कि वो जब हैकिंग करता है, पेगासस सॉफ्टवेयर से जब हैक किया जाता है, तो वो खुद को बचाने के लिए वो मालवेयर क्या करता है। मुझे शक है कि हो सकता है कर्नल या दूसरे पार्ट में फ़ोन के मतलब हार्डवेयर में कहीं पर वो खुद के कुछ पार्ट छोड़ देता होगा, जिससे कि अगली बार करने में आसानी हो। पर अब इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है, कुछ तो उसने सोचा ही होगा, सिंपल सा मालवेयर तो होगा नहीं, क्योंकि सिंपल मालवेयर तो कोई भी बना सकता है, फिर उसके गवर्नमेंट इतने पैसे क्यों देगी। कुछ तो अलग होगा उसमें जिसकी डिटेल हमें पता नहीं है। पर नॉर्मल मालवेयर से बचने का यही तरीका है कि आप फ़ोन को रीसेट कर दो और काम खत्म। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, कुछ जानकारी काम की मिली, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर ऐसे वीडियो और चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।